क्या होगा अगर मैं कहूँ कि अब आपको सरकारी नौकरी के लिए किसी भी डिग्री की या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जरूरत है ही नहीं, बस आपका दिमाग किरण पटेल जैसा होना चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने कौन से नशे किए हैं, लेकिन किरण पटेल नाम के इस आदमी ने सरकार को चूना लगाने में मनी हाइस्ट के प्रोफेसर को भी पीछे छोड़ दिया। इसने जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को अपने आप को पीएमओ बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार इस चीज को मान भी गई। और ये आदमी 4 महीनों तक पूरी सरकार को चूना लगाता रहा और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को ऑर्डर देते रहा। और सरकारी नौकरी के और क्या क्या फायदे हैं ये तो आपको पता ही होगा। और इनके घर भी रिश्ता आया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस का, जिन्होंने इनको दहेज में हथकड़ी के साथ जेल की सलाखें भी दिखाई। तो आखिर इस आदमी ने ये सब किया कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो सरकार पूरी दुनिया को चूना लगाती है, किरण पटेल ने उसी सरकार को पूरे 4 महीनों तक चूना लगाया। गुजरात में रहने वाला किरण पटेल जम्मू एंड कश्मीर गया और वो भी पीएमओ बनकर। और मैं आपको बता दूं कि आखिर पीएमओ होता क्या है। तो पीएमओ असल में प्रधानमंत्री का एक ऑफिस होता है, जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय भी कहा जाता है। और उस कार्यालय में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं के साथ साथ प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ सदस्य होते हैं, और उन्हीं में से एक पीएमओ होता है। हम अगर अभी की बात करें तो असली पीएमओ प्रमोद कुमार मिश्रा है, और कश्मीर की सरकार ने इसको पीएमओ मान भी लिया। तो असल में इस इंसान का पूरा नाम कॉजमैन किरण जे पटेल है। किरण पटेल को जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया। रिपोर्टर्स के अनुसार वो वहाँ पर एक सरकारी ऑफिसर बनकर गए थे, और इतना ही नहीं बल्कि उनको वहाँ से टॉप की सिक्योरिटी भी मिली। पर जब जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को ये बात पता चली कि जो इंसान उनको 4 महीनों से ऑर्डर दे रहा है वो असल में एक धोखेबाज है, जो बस अपने आप को अधिकारी दिखा रहा था, और 4 महीनों तक इसने बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर को अपनी उंगलियों पर नचाया। और इस वीडियो को आप एक बार देखो, और इस वीडियो को इसी इंसान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है, और वो भी सरेआम। और ऐसा पहली बार नहीं था कि इन्होंने अपनी फोटो या वीडियो को ट्विटर अकाउंट पर डाला, बल्कि ये ट्विटर पे भी अपने आप को पीएमओ ही बताते थे। और हो सकता है कि इस इंसान ने ऐसा और भी कई बार किया हो, और इसने जम्मू जाकर वहां की सरकार से Z+ सिक्योरिटी मांगी, और जैसा कि इन्होंने सोचा था वो इनको मिल भी गई। और इतना ही नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो अपने साथ 4 गाड़ियां और भी लेकर चलते थे। और अगर आपकी भी आंखों के सामने सूट वूट पहनकर बुलेट प्रूफ कार के साथ 4 गाड़ियों को लेकर आएगा, तब आप भी इसको किसी बड़े अफसर से कम नहीं मानोगे। इतना गंदा तो किसी लड़की ने भी नहीं काटा होगा जितना इसने सरकार का काट दिया। और यहाँ के अधिकारियों के अनुसार किरण पटेल ने उनको यहाँ आकर कहा कि वो यहाँ पर सेब के बागों की पहचान करने आए हैं, और इनसे आकर कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जो कि कई बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। और इनके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, सरकार ने इनको 5-स्टार होटल में स्टे भी कराया। इतना आसान होता है कि सरकारी ऑफिसर बनना, G-क्लास सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ कार, फ्री का रहना और फ्री का खाना। और ये सब आप इसके खुद के ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हो। असल में इस इंसान की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से वर्जीनिया से PhD, IIM से MBA, इसके साथ में कंप्यूटर साइंस में MTech और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में BE किया है। और आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होगे कि इतना पढ़ने के बाद भी इसने घोटाला क्यों किया, तो आपकी ही तरह मुझे भी नहीं पता। और यहां तक कि इन भाई साहब का ट्विटर अकाउंट भी वेरीफाइड है, और इनको कई बड़े नेता फॉलो भी करते हैं। वैसे ब्लू टिक तो अब खरीदा भी जा सकता है, और नेताओं ने ब्लू टिक को देखकर फॉलो कर दिया होगा। और इन सभी चीजों को इसने सिर्फ 100 रुपए में किया। पटेल ने एक प्रिंटिंग प्रेस से 100 रुपए के 10 विजिटिंग कार्ड बनवाए, जिससे कि उन्होंने अपने आप को पीएमओ दिखाया। और घटना से जुड़े लोगों ने बताया कि फरवरी और मार्च में श्रीनगर में 4 अफसर कुछ भाजपा नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात में इन्हीं विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल किया, और यहां तक कि वो विजिटिंग कार्ड वापस भी ले लेता था ताकि वो और लोगों को दिखा सके। और ये एक अकेला बंदा नहीं है, बल्कि इसके 2 साथी और भी है, अमित पांडे और जय। और इन दोनों ने ही पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर देकर सिक्योरिटी और होटल की व्यवस्था कराई थी। और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के पहले भी उसने एक पुलिस ऑफिसर को डांटा था, क्योंकि वो मोबाइल सिग्नल जैमर अधिकारियों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। गुजरात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पटेल, पांड्या और जय, इन तीनों ने कई बड़े नेताओं को कश्मीर के प्लाट भी बेचे। और पुलिस ने जब इनको पकड़ा तब पांड्या और जय भी इनके साथ थे। कश्मीर पुलिस ने पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, मूल्यवान सुरक्षा की जाल साजिश, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाल साजिश और जाली दस्तावेज बनाने के लिए और उनको असली के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन सभी आरोपों के तहत शिकायत दर्ज की। और अब इसका फैसला कोर्ट करेगा कि इस इंसान का क्या करना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी चीज को बहुत ही आसानी से कर दिया। इस इंसान को तो अंडरकवर बनाकर पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है, और हो सकता है कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बन जाए, क्योंकि इसने एक भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिसके कारण इसको लोग पीएमओ ना माने। जाते से ही मंदिरों में पूजा करना और फिर पहाड़ों की जांच करने के लिए निकल पड़ना, और यहां तक कि NOC पर जाकर वहां की बर्फीली चोटियां देखना, और इसके आसपास के चल रहे आर्मी ऑफिसर्स को भी इसके बारे में
में कुछ नहीं पता। और इसी के साथ लाल चौक जाकर अपनी तस्वीरें भी खिंचाई और पूरी दुनिया को ये बताना कि ये एक आईएएस ऑफिसर है। इन सभी चीजों को देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि ये मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से बिल्कुल भी कम नहीं है। और अभी तक की जांच में तो यही पता चला है कि ये एक ठग है। लेकिन अगर ये गलती से भी किसी दूसरे देश से आया है तो इसने 6 महीनों में इंडिया की कितनी जानकारी को निकाला होगा और ये जानकारी इंडिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना।